हो गया। लुक सेंटर, लुक सेंटर, सेंटर लुक सेंटर। सेंटर सेंटर वन मोर सेंटर कलम जी वेट कर एक वापस राइट। थैंक यू। मैजिक बस के लिए जितना भी अच्छा कहा जाए उतना कम है, क्योंकि जो बेहतरीन काम मैथ्यू और उनके टीम मेंबर्स करते हैं वो शायद ही को कर पाता है। हमारे देश के गरीब बच्चों को गरीबी से निकालना, एक ऐसे मुकाम तक, ऐसे मंजिल तक पहुंचाना जहां पे वो खुददार बन सके, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड बन सके, सोशली अवेयर बन सके, ये बहुत बड़ी बात है। और पिछले 6 साल में ही उन्होंने कुछ 9 लाख बच्चों को के ज़िंदगी में और उनके वास्तविकता में बदलाव लाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत खुश हूँ आज यहाँ पर होकर। इस इनिशिएटिव में क्या कहना चाहेंगे आप कि इतना दूर तक पहुँचना, सिलेक्स में पहुँचना बड़ी बात होती है, वहाँ से बच्चों को निकालना, उसके अपने स्पोर्ट्स की तरफ आगे जाने वो स्पोर्ट्स प्रोग्राम्स के द्वारा बच्चों को लाइफ स्किल्स सिखाते हैं, क्योंकि जितना खेल कूद से बच्चा सीख सकता है वो शायद ही किसी और वातावरण में सीख पाए, और यही उनकी सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन ये सिर्फ प्लेइंग फील्ड पर बच्चों को नहीं सिखाते हैं, वो कोशिश ये करते हैं कि सारी जो बच्चों की इकोसिस्टम है उन तक भी पहुंच पाए। क्योंकि अगर बच्चा खेल के मैदान में कुछ सीख रहा है लेकिन उसके घर पे उसके माँ बाप या उसके आस पड़ोस वाले उस बात को नहीं समझते, उस वैल्यू सिस्टम को नहीं समझते, तो फिर बच्चे के ज़िंदगी में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है। तो उनकी कोशिश यही रहती है कि वो कम्युनिटीज़ के साथ काम करें, माँ बाप के साथ काम करें, बच्चों के स्कूल में काम करें बच्चों के साथ। तो ये जब काम साथ साथ होता है तब इन बच्चों के ज़िंदगी में असली बदलाव आता है। इसके अलावा जो ऑप्शन है, ये ऑक्शन एक ऐसे शाम का उदाहरण है जहाँ पर जो जो लोगों के पास यू नो ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है, वो साथ में इकट्ठा होकर यही कोशिश करते हैं कि इन बच्चों को वो सहायता दे पाए, उनकी 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 गरीबी मिटा पाए, उनकी ज़िंदगी में बदलाव ला पाए।
तो मैजिक बस के जितने भी लोग हैं वो इस शाम के लिए बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि इट्स रियली द जेनरोसिटी ऑफ द पीपल हु अटेंड दिस ऑक्शन एंड हु बिड फॉर ऑल द एक्सपीरियंसेस दैट मेक्स द डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ द चिल्ड्रन दैट आर एसोसिएटेड विद मैजिक बस. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आज 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 सिर्फ मैजिक बस की बात होगी. थैंक यू सो मच. मैजिक बस के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, कुछ साल हो गए हैं. मुंबई का गाला मैं हमेशा एमसी करती हूँ, एंकर करती हूँ, और मैजिक बस बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है जो बहुत अच्छा काम करती है. बच्चों को गरीबी से निकाल कर उन्हें व्यवसाय तक लेकर जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और फ्रॉम यू नो फ्रॉम पॉवर्टी टू लाइवलीहुड विच इज़ वंडरफुल. बहुत लोग एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली यू नो टेकिंग चिल्ड्रन इनटू अर्निंग मनी एंड बिकमिंग अर्निंग मेम्बर्स ऑफ द फैमिली. तो चूँकि ये बहुत अच्छा काम करता है ये फाउंडेशन, आई हैव बीन स्ट्रॉन्ग सपोर्टर, और यहाँ मुंबई में और सिंगापुर में भी मैं उनके शो को होस्ट करती हूँ. मतलब मैं समझी नहीं. आज जो ऑप्शन हो रहा है मैम, जी जी भी विलेजेस के भी ऑप्शन बहुत हेल्प मिलता है. आई मीन द वे मैजिक बस फंक्शंस, यहाँ पे ऑप्शंस ना सिर्फ एरियाज़ के होंगे, यहाँ पे ऑक्शंस लॉट्स के भी होंगे, तो कंपनीज़ भी अपने CSR बजट में से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो लोग जिन लोगों का दिल बहुत बड़ा है ख़ुद पर्सनली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ऑल टू अ वंडरफुल कॉज. इस सब्जेक्ट पे कोई मूवी बनाने का मूवी बनाना अच्छा मूवी तो बहुत दूर की बात है. आज के दिन हम इस शो पर, इस कॉज पर हम ध्यान देंगे. प्लान्स नहीं है. दिवाली में, दिवाली के समय हम हमेशा घर पे रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं. मैं कभी बॉम्बे छोड़ के जाती नहीं हूँ उस समय. तो लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग दिवाली एट होम विद द फैमिली. नमस्ते, मैं हूँ मंदिरा बेदी. दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको. हैव अ सेफ दिवाली. ओके, बोले क्या कहना चाहेंगे सर मैजिक बस? हाँ जी, मैजिक बस पर क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूँगा कि मैजिक बस एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूशन है, ख़ासतौर पर चैरिटी के लिए, और सालों से करते आ रहे हैं, और मैं सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ. आज तक
जो भी उन्होंने किया बच्चों के लिए इज बीन आउटस्टैंडिंग एजुकेशन को लेके, मतलब स्पोर्ट्स को इनकरेज करके. सो देव रेज सो मच मनी फॉर किड्स एंड दे डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. इसलिए इस तरह का अगर जो फंक्शन है टू रेज मोर मनी, इज ऑलवेज गुड टू रेज मनी फ्रॉम पीपल एंड गिव टू द किड्स. सो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक जॉब दे डूइंग. काफ़ी लोग एनजीओ ओपन करके छोड़ देते देखा जाते हैं और उन्हीं पे मेहनत करते हैं. एनजीओ में जो आते हैं बच्चे उन स्लम्स में जाके उन बच्चों को ढूंढ से निकालते स्पोर्ट्स की तरफ करना, कितना चेंज उसमें मानते हैं. क्या है कि स्पोर्ट्स आजकल एक बहुत बड़ा माध्यम है और उसके थ्रू अगर हम, क्योंकि इन्होंने शुरू किया ऐसा कि बच्चों को लेके फुटबॉल खिलवाते थे एंड नाउ स्पोर्ट्स एक छोटा सा हिस्सा है इसका, बट उनको लगा कि यू नो इट्स गुड टू रेज मनी बिकॉज वैसे इतने सारे बच्चे हैं आजकल जो जिनकी एजुकेशन है नहीं, पैसा एजुकेशन पैसा है नहीं एजुकेशन के लिए. सो फॉर देम आई थिंक इट्स रियली फैंटास्टिक एंड स्पोर्ट्स इज अ गुड वे, क्योंकि आजकल फुटबॉल भी इतना प्रमोट होता जा रहा है. सो प्रमोटिंग टू स्पोर्ट्स एंड प्रमोशन इन एनी काइंड जहाँ आप पैसा रेज कर सकते हैं एंड गिव इट बैक टू द किड्स इज कमेंडेबल, इज वेरी कमेंडेबल. प्लान्स तो मनाऊंगा सबके साथ, जैसे हर साल हर सितारे के घर में कोई ना कोई पार्टी होती है. सो होगी पार्टी किसी का एंड इट विल स्टार्ट, अभी तो शुरू हो जाएगी पार्टी. सो अब इस साल मैं हूँ मुंबई में तो आई विल बी विजिटिंग ऑल माय फ्रेंड्स, विशिंग देम एंड लाइक एवरी ईयर. अभी फ़िलहाल एक मूवी में प्रोड्यूस करने वाला हूँ और बहुत जल्दी मैं अनाउंस करने वाला हूँ. एक बहुत बेहतरीन पिक्चर है, एक स्क्रिप्ट पे हमने बहुत ध्यान दिया है. सो होपफुली वेरी सून, यस आई एम प्रोड्यूसिंग अ फिल्म और एक्टिंग को लेकर शायद दिसंबर में एक नया प्रोजेक्ट पे मैं शामिल हो जाऊँगा. हाँ जी, अरे क्यों नहीं, आजकल जैसे आपने देखा है कि कॉन्टेंट बहुत अहम है और कॉन्टेंट ही चल रहा है, चाहे उसमें सितारे छोटे हैं या बड़े हैं, सब लोग कंटेंट पे ही ध्यान देते हैं. तो अगर कोई बच्चा एक ऐसी कहानी लेके जाएगी जो बहुत अच्छी है तो क्यों नहीं. या ओके, थैंक यू.